हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 147 में। आज के वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का साइको टेस्ट, जिसमें शॉर्टेस्ट रूट मेथड को कवर करेंगे और इसमें आज हम एक नंबर का वीडियो कवर करेंगे। इससे पहले सात वीडियो हमने बना दिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल स्टडी 147 पर जाकर आप इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। इस वीडियो में हम टोटल 40 क्वेश्चनों को कवर करेंगे और आपको भी हमारे साथ साथ स्टेट को कवर करना है। सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चनों को लगाना है। फिर देखते हैं कि आपके राइट आंसर कितने होते हैं और कितने रॉन्ग होते हैं। साथ ही टाइम का भी ध्यान रखना कि कितने टाइम में जितना हो सके उतना जल्दी आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। और मैं आपको हर बार एक ही बात बोलता हूँ कि आपकी अपनी आदत ये मत डालो कि जैसे वाई से डी पे आना है तो आप या तो माउस का कर्सर लेके जाओ या फिर अंगुली लेके जाओ कि वाई यहाँ पे है और डी ये रहा, तो वाई से डी पे आने के लिए मेरे को ये वाला रूट ऐसे ऐसे इसके साथ साथ नहीं चलना। सीधे ही देखो वाई से डी के बीच में आ रहा है 5 नंबर रूट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर। ये वाला रूट जो एक वीडियो है, ये वाले में अपने डिफ़िकल्टी लेवल को थोड़ा आसान बनाया। तो चलिए करते हैं। नेक्स्ट है ओ से एच पे आना है, ओ ये ना और एच आपको यहाँ पे दिखाई देगा तो रूट नंबर हो जाएगा इसमें 8 नंबर का। नेक्स्ट है ए से एक्स पे आना है, ए ये ना और एक्स ये ना। अब ए से एक्स पे आना है तो रूट कौन सा देखना पड़ेगा, फिर मेरे पास में रूट आ जाएगा ये वाला 5 नंबर से होते हुए। नेक्स्ट है डब्ल्यू से एस पे आना है, डब्ल्यू आपको दिखाई दे रहा है ये ना और एस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो डब्ल्यू से एस पे आने के लिए सीधा नीचे की तरफ आ जाओ तो रूट हो जाएगा 1 नंबर का। नेक्स्ट है वाई से एल पे आना है तो वाई ये रहा और एल ये रहा। अब वाई से एल पे आना है तो रूट हो जाएगा अपने पास में 4 नंबर का रूट, 4 नंबर का रूट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा फिर यहाँ से। नेक्स्ट है एल से आना है यू पे, एल ये रहा और यू आपको दिखाई देगा यहाँ पे, तो L से U पे आने के लिए ऊपर जाना है और नीचे वही अपने पास में आएगा 4 नंबर का रूट। नेक्स्ट है Q से Y पे जाना है, Q ये रहा और Y आपको दिखाई देगा ये रहा, तो Q से Y पे जाने के लिए इसमें भी हो जाएगा 4 नंबर का रूट। नेक्स्ट है X से आना है E पे, X आपको दिखाई देगा यहाँ पे और E आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो X से E पे आने के लिए रूट हो जाएगा अपने पास में 4 नंबर का रूट नहीं हो पाएगा क्योंकि आगे तो ब्लॉक ही जा गया, रूट चेंज करना पड़ेगा। एक्स से आना है ई पे तो फिर अपन को जाना पड़ेगा ये रहा 6 नंबर से होते हुए। नेक्स्ट है एन से वाई पे जाना है, एन ये रहा और वाई दिखाई दे रहा आपको यहाँ पे, तो एन से वाई पे जाने के लिए आपको ये वाला रूट पालन करना पड़ेगा 4 नंबर का रूट। नेक्स्ट है वाई से एम पे जाना है, वाई ये रहा और एम ये रहा। अब Y से M पे जाने के लिए रूट देखते हैं कौन सा हो जाएगा, Y से M पे जाना है 4 नंबर का रूट आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। 1 से 10 तक की क्वेश्चन हो गए, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन देखने में सिंपल ही, वैसे नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा डिफिकल्टी लेवल को सबसे ज़्यादा करके चलेंगे, तो हार्ड लेवल को कवर करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में, यानी जो भी अगला पार्ट आएगा ना शॉर्ट रूट का, उसमें अपन डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा बढ़ाएंगे, थोड़ा नहीं तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ाएंगे। एक बार आसान सवाल कर लेते हैं क्योंकि इससे पहले जितने भी वीडियो थे उसमें डिफ़िकल्टी लेवल को धीरे 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 इंक्रीज किया था, इस वाले लेवल में डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा कम रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, W से I पे जाना है तो फटाफट करते हैं, W ये रहा और I ये रहा, तो W से I पे जाने के लिए रूट हो जाएगा 1 नंबर का। N से Y पे जाना है, N ये रहा और Y ये रहा, N से Y पे जाने के लिए रूट हो जाएगा 7 नंबर का रूट, तो बन नहीं रहा तो फिर बन जाएगा 5 नंबर का रूट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का रूट, या जाओ सीधा। नेक्स्ट है जी से आना है के पे, जी ये रहा और की ये रहा, तो जी से के पे आने के लिए रूट हो जाएगा अपने पास में 2 नंबर का, 2 नंबर का रूट हो जाएगा। पी से ई पे आना है, पी ये रहा और ई आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो रूट बन जाएगा 1 नंबर का। नेक्स्ट है बी से ई पे आना है,
बी 11 और ई 11, तो 10 नंबर का रूट हो गया। ए से आना है एस पे, तो ए और एस, तो एस से एस पे आना है तो रूट आ जाएगा 8 नंबर का। वी से आना है एच पे, तो वी 11 और एच 11, एक नंबर का रूट। बी से आना है एम पे, तो बी कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 11, बी यहाँ पे और एम 11, तो बी से एम पे आने के लिए रूट देखते हैं 10 नंबर का रूट। 10 नंबर का हो जाएगा क्या? एक नंबर का रूट हो जाएगा बी से एम पे। रूट तो दो मन रहे, ये वाला मन रहा है एक, तो 10 नंबर से भी जा सकते हैं, लेकिन 10 नंबर का रूट थोड़ा लॉन्ग पड़ जाएगा। तो अपन देखते हैं नीचे आए, लेफ्ट की तरफ आए और नीचे आके 11, तो नजरे एक बार ऐसे नहीं कि एक बार देख लिया 10 नंबर का रूट आ रहा है, सीधा 10 नंबर आंसर लगा है, ऐसे नहीं करना, एक बार देख लेना कि और कोई रूट तो नहीं बन रहा है ना। अब आपने डिफिकल्टी लेवल इतने क्वेश्चन किए हैं कि डिफिकल्ट लेवल की, कि आपको जो आसान है उसमें तो आपको ऐसे दिख रहे कि ये डायग्राम कैसा आ गया यार, सिंपल सा डायग्राम है। तो एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाता है डिफिकल्ट लेवलों को करने के बाद में। अगर आसान ही आसान करते रहते हो तो फिर क्या है कि अचानक से अगर आपके सामने डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे हर बार कर रहे थे, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसमें करना क्या है। नेक्स्ट है बी से एम पे आना है, बी 11 और एम 11, बी से एम वाला तो कर लिया ना, एक नंबर हो गया। एक्स से पी पे आना है, एक्स 11 और पी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो एक्स से पी में 7 नंबर हो गया। डब्ल्यू से एन में कौन सा हो जाएगा, डब्ल्यू 11 और एन 11, तो डब्ल्यू से एन में 5 नंबर हो गया। नेक्स्ट है 21 नंबर का क्वेश्चन कि के से जाना है जेड पे, के 11 और जेड 11, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर 10 नंबर हो जाएगा। 10 नंबर कर सकते हैं, लेकिन एक बार 10 हो जाएगा फिक्स है। कैसे कि मैं जेड से जाऊंगा, इधर जाऊंगा तो भी 10 नंबर आएगा, ऊपर तो जा नहीं सकता, नीचे भी जाऊंगा तो भी 10 नंबर आ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर। नेक्स्ट है एक्स से ई पे आना है, एक्स आपको दिखाई दे रहा है ये ना, और ई आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो रूट बन जाएगा 3 नंबर का। ई से एम पे आना है, ई ये ना और एम ये ना, रूट बन जाएगा 7 नंबर का। बी से आना है एक्स पे, बी ये ना और एक्स ये ना, तो बी से एक्स पे जाने के लिए रूट हो जाएगा अपने पास में 10 नंबर का। 3 नंबर तो आ नहीं सकता, क्योंकि 3 नंबर के लिए अपन को घूम के थोड़ा ज़्यादा जाना पड़ेगा। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, जबकि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों में 8 8 आ रहे हैं क्या? मोड देखते हैं चलो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे थे इसमें भी, और इसकी बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर मोड की बात की जाए तो दोनों में तो 8 8 आ रहे हैं, लेकिन मोड देखते हैं कितने तैयार हैं। इसमें आ रहा है 1 2 3 मोड, और इसमें 1 2 3 4 5 मोड आ रहे हैं। फिर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, बी से एक्स पे आना है। तो याद करो मैंने लास्ट वीडियो में क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि जब दोनों की लेंथ सेम हो। अब दोनों की लेंथ क्या आ रही है, जिस रेड वाले से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रही है, और ग्रीन वाले से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रही है, तो दोनों में 8 8 आ रही है। तो फिर क्या देखते हैं, मोड देखते हैं। अब मोड कितने आ रहे हैं इसमें, रेड वाले में 1 2 3 मोड आ रहे हैं, जबकि ग्रीन वाले में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें ज़्यादा मोड आ रहे हैं। ग्रीन वाले में 10 नंबर रास्ते में ज़्यादा मोड आ रहे हैं, तो फिर हमको लेना पड़ेगा 3 नंबर का रास्ता, क्योंकि इसमें मोड कम आ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर नहीं होगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे करेक्शन कर लो एक बार, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 10 नंबर तो जब लेते कि जब इस वाले रास्ते में, ये वाला, ये जो ग्रीन रेड कलर का रास्ता है ना, इसमें भी मोड यदि 5 मोड होते हैं, तो फिर अपन देखते हैं विकर्ण के अकॉर्डिंग कि विकर्ण के पास में कौन सा आ रहा है फिर 10 नंबर का। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में ही एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट है 25 नंबर का, सी से आना है ई पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, सी से आना है ई पे, सी 11 और ई 11, तो सी से ई पे आने के लिए रूट हो जाएगा 3 नंबर का। नेक्स्ट है वाई से जी पे जाना है, वाई आपको दिखाई दे रहा है कहाँ पे, 11 और जी 11, तो y से g पे आने के लिए रूट देखना पड़ेगा 9 नंबर का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का। कैसे कि अब आप देखते हैं कि सर सीधा आ रहे यार, 9 नंबर हो गए ये तो,
अब 9 नंबर, ये 3 नंबर हो गया कि सीधा आए, लेकिन 3 नंबर रूट से जाओगे कैसे? बीच में आ गया यहाँ पे 9 नंबर रूट, तो फिर अपन को चेंज करनी पड़ेगी अपनी डायरेक्शन, नीचे से होके जानी पड़ेगी। क्यों मैंने ये वाला रूट क्यों लिया, सीधा क्यों नहीं लिया? कि सर आप बोलते हो कि एक बार देखने पे पता चलना चाहिए, लेकिन एक बार देखने पे पता चलना चाहिए, लेकिन जैसे आगे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 9, दो रूट आ गए ना, फिर मेरे को इसको टर्न करना पड़ेगा नीचे की तरफ, या तो नीचे की तरफ कर दो या फिर ऊपर की तरफ कर लो, फिर आएगा इसमें 9 नंबर। अब मैंने 9 नंबर कैसे देखा कि इसमें 3 नंबर नहीं होगा, 9 नहीं होगा? वो इसलिए देखा कि मैं जी से पहुंचा, मैंने वाई से नहीं पहुंचा इसको, एक बार तो वाई से जा रहा था लेकिन 3 नंबर आ गया, फिर मैंने इधर देखा तो वाई पे, जी पे क्या हुआ, इधर ब्लॉकेज है, इधर ब्लॉकेज है। नीचे की तरफ जाऊंगा तो मेरे पास में एक ही रूट बचेगा और जिसमें आ रहा है 9 नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का। 27 नंबर का क्वेश्चन है, एप से आना है एम पे। अब एफ से एम पे आना है तो फिर मेरे को रूट कौन सा पालन करना पड़ेगा, 7 नंबर का रूट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर। नेक्स्ट है डी से पी पे आना है, डी ये रहा और पी ये रहा, तो डी से पी पे आने के लिए रूट हो जाएगा, कोई रूट ही नहीं आ रहा इसके बीच में, तो रूट चेंज करना पड़ेगा फिर, तो डी से इस तरह से होके आना पड़ेगा, यानी 3 नंबर रूट से। सी से आना है एल पे, सी ये रहा और एल ये रहा, तो सी से एल पे जाने के लिए रूट हो जाएगा 3 नंबर का। नेक्स्ट है एन से सी पे जाना है, एन ये रहा और सी आपको दिखाई देगा ये रहा, तो एन से सी पे जाने के लिए 7 नंबर का रूट। नेक्स्ट है 31 नंबर का क्वेश्चन। 31 नंबर का क्वेश्चन है एक्स से आना है ई पे, तो एक्स कहाँ पे दिखाई देगा, ये रहा, और ई आपको दिखाई देगा यहाँ पे, तो एक्स से ई पे आने के लिए रूट हो जाएगा 6 नंबर का। बी से जे पे जाना है, बी ये रहा और जे ये रहा, तो रूट हो जाएगा 1 नंबर का। नेक्स्ट है पी से एल पे आना है, पी ये रहा और एल ये रहा, तो रूट की बात की जाए तो 3 नंबर का रूट। वाई से के पे जाना है, वाई आपको दिखाई देगा ये रहा और के आपको दिखाई देगा ये रहा, तो वाई से के पे जाने के लिए रूट देखना पड़ेगा 6 नंबर का। नेक्स्ट है एल से ए पे आना है, एल ये रहा, ई ये रहा, तो रूट हो जाएगा 10 नंबर का। देखने पर पता चल रहा है कि ई इस तरफ भी जाएंगे तो 10 नंबर आएगा, इस तरफ भी जाएंगे तो 10 नंबर आएगा ही। डी से एस पे आना है, डी ये रहा और एस ये रहा, तो रूट हो जाएगा अपने पास में 6 नंबर, दो रूट आ गए, कैसे लोगे 6 नंबर? फिर जाना पड़ेगा इधर से होके रूट नंबर 7 से। डब्ल्यू से क्यू पे जाना है, डब्ल्यू ये रहा और क्यू आपको दिखाई देगा यहाँ पे, तो डब्ल्यू से क्यू पे आने के लिए सीधा जाओ यूं जाके, ये 4 नंबर रूट। एक्स से एच पे आना है, एक्स कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये रहा और एच ये रहा, तो एक्स से एच पे जाना है तो रूट हो जाएगा 6 नंबर का रूट। एच से एम पे आना है, एच ये रहा और एम ये रहा, तो एच से एम पे जाने के लिए रूट कोई सा ही नहीं आ रहा यहाँ पे, तो 1 नंबर ले नहीं सकते, इस तरफ से जा नहीं सकते, 3 नंबर से जाना पड़ेगा फिर तो। क्यों रूट कोई मनी नहीं रहा, जैसे मैं जाता हूँ ये रूट आ रहा है फिर बाद में, तो थोड़ा लॉन्ग रूट है लेकिन रूट यही बन रहा है और कोई रूट ही नहीं बन रहा है एम तक पहुंचने के लिए। कैसे, जैसे अगर हम आगे तक जाते हैं तो इस तरफ भी गए, नीचे ब्लॉकेज आ गया, नीचे गए ब्लॉक आ गया, इधर गए ब्लॉक आ गया, यहाँ से अगर इस तरफ मुड़ते हैं तो नीचे की तरफ ब्लॉक, नीचे की तरफ ब्लॉक, यहाँ से जाते हैं तो ब्लॉकेज आ गया, फिर जाना पड़ेगा ओनली फॉर इसी रूट से होते हुए। तो 39 नंबर हो गया। और लास्ट है एफ से आना है ओ पे, एफ दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे और ओ दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, तो एफ से ओ पे जाने के लिए 3 नंबर रूट सही हो जाएगा, हो जाएगा वैसे सही ये रहा, तो एफ से ओ में भी हो जाएगा 3 नंबर। तो ये था आज का हमारा वीडियो, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू।